हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? होप सब करती हूँ आप सब ठीक होगी अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि मैं आप सबको बता दूँ, आज 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल को मेरी मम्मा का बर्थडे होता है, तो आज मैं उसी की तैयारी करने वाली हूँ। तो मैंने आज कॉलेज आई हूँ। कॉलेज आने के बाद बस अभी रेडी होके कॉलेज आई हूँ। कॉलेज में थोड़ा बहुत काम करने हैं। कॉलेज के काम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो मेरा रहने वाला है वो मैं आपको दिखाऊंगी। आज की दिनचर्या मेरी क्या होने वाली है, आज की दिनचर्या में क्या है। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मेरी मम्मा का बर्थडे है। तो बने रहिए, देखते हैं क्या होगा आज। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स रखे हैं जो कि चेक करने वाले हैं। और सेकंड चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अपनी मम्मा के लिए ली है डॉल, है ना। ये डॉल मैंने अपनी मम्मा के लिए लिया है। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये मेरी मम्मी की एज बड़ी ही छोटी होती जा रही है, तो इसे टेंशन हो रही है। मेरी मम्मी छोटी होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन, तो आज और छोटी हो गई है, इसीलिए मैं डॉल लेके आई हूँ अपनी मम्मा के लिए। अभी केक लेने के लिए जाऊँगी, तो आप सबको साथ लेके चलती हूँ केक लेने के लिए। और आपको पता है मेरा फेवरेट केक आइसक्रीम केक है, वही मैं खाती हूँ हमेशा से। तो वही मम्मी को भी अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, फादर को भी अच्छा लगता है, तो वही मैं खाने वाली हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं। केक ले आई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो आज मम्मी है तो मैं पिंक कलर का लेके आई हूँ। पिंक कलर का ही मैंने केक लिया है, पिंक कलर की डॉल है जो कि मैंने अपने गेट पे हैंग कर दिया है, क्या करना है? जहाँ से मम्मी देखती रहेगी डॉल को। मेरी मम्मा बिल्कुल सेम ऐसी ही लगती थी जैसे कि ये डॉल है, उनका फेस बिल्कुल। ये मेरे को बात मेरी मम्मी ने बताई अभी आके, जब मैंने उनको दिया तो वो बोल रहे थे कि तुम मैं बिल्कुल सेम ऐसी ही लगती थी जैसा कि ये डॉल है। ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि नानी का डेथ हुई है अभी, तो इसीलिए हमने ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो इसीलिए मैंने उनके मूड को फ्रेश करने के लिए मैंने छोटा सा एक इवेंट घर पे ही, मतलब हमने केक कटिंग करी थी, जिसमें मैं मम्मी और पापा ही थे। बस नॉर्मल हमने केक ले लिया था, लेकिन केक हमने काट के कल खा लिया था। अभी रखा है थोड़ा सा, मैं आपको दिखाऊंगी कितना बच गया है। और बाकी आप सबकी प्यार इतना मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ में ना नज़र भी लग रही है। मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई है, जो कि मैं दवाई लेने के लिए गई थी। आज सुबह दवाई लेके आई हूँ, उसके बाद बस अब खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद वही इवनिंग वॉक करनी है। बहुत दिन हो गए वॉक नहीं करी है, स्किप हो गया एक्चुअली। ऑफिस के काम से बिज़ी बहुत हो गई थी। एग्ज़ाम्स चल रहे थे बच्चों के, तो पेपर थे, तो पेपर बनाना भी था, पेपर लेने भी थे। तो आज अंबेडकर जयंती है, तो आज का ऑफ है। तो बस अभी खाना बनाऊंगी, लंच की तैयारी करूंगी। लंच की तैयारी करने के बाद फिर मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। जैसे कि आपको पता ही है, मैं अब लंच बनाने के लिए जा रही हूँ। लंच में मैंने आपको पता है कि मैं ऑयल लेती हूँ, सरसों का तेल लेती हूँ। सरसों का तेल मैंने रख दिया है, और बस अभी थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद मैंने यहाँ पर आलू प्याज काट लिए हैं, और गोभी अभी काटनी रह गई है। आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, तो एक बार ये हो जाए फिर मैं करती हूँ। गैस को सिंपल कर लेना। गलती से ये रह गया है, इसको मैं काटना भूल गई, तो मैं पहले ये काट देती हूँ, आप भी ध्यान दे लीजिए। गोभी ऐड कर दी है मैंने। अब इसमें ना मैं नमक डाल दूँगी सबसे पहले, ताकि जो आलू हैं वो पक जाए। इसमें मैंने नमक डाल दिया है, मिर्च डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है, और अभी धनिया डालूँगी बाद में जब ये बन जाएगी। और यहाँ पर मैंने
पेस्ट बना लिया टमाटर का, जो कि मैं अभी थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें ऐड करूँगी। इतने में मुझे दही का रायता बनाना है, तो उसके लिए मेरे घर में पकौड़ियाँ ख़त्म हो गई है, तो वो लेके आऊँगी जितने में ये सब्ज़ी थोड़ी सी पक जाएगी। बस लिफ्ट में आ गई हूँ, नेक्स्ट डे है, मैंने कंघी भी नहीं करी है। जैसे कि आपको पता है कि छुट्टी है आज की, आज कोई है मैं वो देख के बताऊँगी किस चीज़ की छुट्टी है, मैं भूल गई हूँ। तो बस आप देख सकते हो कि मैं लिफ्ट में आ गई हूँ, लिफ्ट में बस पकौड़ी लेने जाना है मेरे को, रायता बनाना है, लंच की तैयारी चल रही है घर पे, तो चलते हैं पकौड़ी लेके आते हैं। एक पॉलोथिन चलो रहने दो। हाँ बस आ गई हूँ मैं वापस जल्दी जल्दी, मेरा गैस पे सब्जी रखी हुई है, सब्जी बीच में से मैंने पकौड़ी ले ली है, जल्दी 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 आ गई हूँ, चल के देखते हैं कि सब्जी कैसी बनी है, दिखाती हूँ मैं आपको। मेरे हाथ में पकौड़ियों का पैकेट है ना, और अभी वीडियो चल रही है, चलती रहेगी, और दिखाती हूँ मैं आपको। बस लिफ्ट खुली सब्जी का कलर अच्छा आ गया है। पानी की जगह पे मैंने टमाटर डाले, जिससे क्या होगा कि ना जो जितने भी मसाले हैं वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, मैंने पानी यूज़ नहीं किया। जैसे कि आपने देखा कि मैंने सब्ज़ी बना ली है और पकौड़ियाँ भी ले आई थी, पीछे से आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, घर के पास काम चल रहा है कोई कंस्ट्रक्शन का, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, और फ़ैन की भी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो मैं अभी, फ़ैन का ही वेदर हुआ है, एसी अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं फ़ैन बंद करके आगे से बात करूँगी, अभी के लिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ जाइएगा इस चीज़ को। और बस मैंने दही से रायता बना दिया है और आटा गूंद दिया है, खाना रेडी।